जो इसका बच्चा उल्टा है प्रभु यीशु तेरे नाम से सीधा हो जाए राइट नाउ। ये ढोलक किस बात को दर्शाता है? हाँ, ये ढोलक की आवाज जितने लोग सुन रहे हैं ये किस बात को दर्शाता है? ढोलक ढोलक कब बजता है? जब कोई खुशी की बड़ी बात हो। ठीक है जी। ला दे डगा ढोल ते यारा आज मैं जश्न मनाना पारा। ला दे डगा ढोल ते यारा आज मैं जश्न मनाना पारा। ला दे डगा ढोल ते यारा आज मैं जश्न मनाना पारा। ला दे डगा ढोल ते यारा आज मैं जश्न मनाना पारा। आज मेरे यसू ने आना छेड़ कोई छेड़ कोई छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं पकड़ा पौड़ा। छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं पकड़ा पौड़ा। छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं पकड़ा पौड़ा। कोई गीत खुदा का नाम टीना है और ये अमृतसर अनगढ़ गांव के रहने वाले हैं और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि इनकी मैरिज को 3 साल हो गए थे और पहले भी इनके जब 1 साल बाद इनके घर में ऐसे बेबी हुआ जे बता रही कि वो 2 महीने का हो गया था और किसी कारण उसकी डेथ हो गई थी और जे बता रही कि अभी इनकी मैरिज को अभी 2 साल बाद इन जे बेबी कंसीव नहीं थे कर पा रहे पर जे सिस्टर ने बताया कि इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया कोई मेडिसिन नहीं खाई और जैसे इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ पहुंची क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो प्रभु के ऊपर विश्वास करती थी और जैसे ही इनके पास गुड न्यूज़ पहुंची और जैसे जिस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और जिस सिस्टर विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर आप मुझे भी बेबी दे चुके हो और जैसे जो पॉजिटिव विश्वास करते रहे धन्यवाद में बने रहे तो परमेश्वर ने इस सिस्टर को बेबी के साथ ब्लेस किया और जो विश्वास करते रहे और जो सिस्टर बताया कि जैसे ही लास्ट जैसे डिलीवरी के टाइम 8वें मंथ के बाद इन्होंने ऐसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो रिपोर्ट्स में आया था कि जो इनका बेबी है वो उल्टा है और जो डिलीवरी है उल्टा है और जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती ऑपरेट होगा और जैसे जो सिस्टर 1 मई को मीटिंग में आए और इन्होंने फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को भी लिखवाया और जैसे ही जो मीटिंग में आए इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जो इसका बच्चा उल्टा है प्रभु यीशु तेरे नाम से सीधा हो जाए राइट नाउ। जो उल्टा बच्चा है प्रभु तेरे नाम से मैं सीधा करता हूँ। यस, उल्टा बच्चा सीधा हो यीशु तेरे नाम से सीधा हो सीधा हो सीधा हो। ये किस चीज का और में पैसे आए ताकि जिस बात के लिए इसने अपने हृदय और मन को खोना इसके जीवन पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामने। और जैसे इनके लिए लिए प्रार्थना हुई और डिलीवरी तक जो विश्वास में बने रहे प्रार्थना करते रहे और जिस दिन जो सिस्टर की डिलीवरी थी और उस दिन उन्होंने प्रार्थना करवाई क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि प्रेड होगा पर जैसे ही प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना की और उसी समय प्रभु की ग्रेस ने शुआ और नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया आज खुशी के साथ। हालेलुया। लगाओ लगाओ ढोल। ला दे डगा ढोल ते यारा आज मैं जश्न मनाना पारा।
ला दे दगा ढोल दे यारा अज मैं जश्न मनाना पारा अज मेरे यसू ने आना छेड़ कोई गीत खुदा वंदा अज मैं पंगड़ा पौना छेड़ कोई गीत खुदा वंदा अज मैं पंगड़ा पौना छेड़ कोई गीत खुदा वंदा अज मैं पंगड़ा नचते हुए खुदा दी महिमा करते हुए और सुनो 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 रुको 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 सुनो अभी जिस दिन इसकी डिलीवरी थी सुनो बंद करो इसे बंद करो जिस दिन इसकी डिलीवरी थी और उस दिन मैं एक शादी में था वहां पे निकाह था और वहां पे ऐसे बहुत ये सब साउंड वगैरह था और उसमें ऐसे जब इन्होंने कहा कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि ऑपरेट होगा क्योंकि बच्चा ऐसे क्या है परमेश्वर कितने सेकेंडों और मिनटों में काम करता है क्या करता है कितने सेकेंडों और मिनटों में काम करता है अभी प्रार्थना करवाने से पहले डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी क्या नहीं होगी जैसे ही इन्होंने चाहा से ऐसे विश्वास रखा कि नहीं हम प्रार्थना करवाएंगे परमेश्वर के दास से और परमेश्वर ऐसा काम नहीं होने देगा ये एक बड़ा फेथ होता है क्या होता है एक बड़ा फेथ होता है जो परमेश्वर से काम लेना चाहते हैं उनके अंदर होना चाहिए तब परमेश्वर काम करता है हमें और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था एकदम परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उकसाया अभी मैं मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है मगर मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि वो डीजे वहां पे सारा मतलब साउंड के कारण जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसका सारा शोर बीच में आ गया समझ आ रही तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाता आपको जब मैं प्रार्थना कर रहा तो एकदम जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था नॉर्मल डिलीवरी के लिए एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ऐसे उकसाया और मैंने कहा आपको परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर चुके और वैसा ही हुआ अभी नॉर्मल डिलीवरी आपके सामने कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ भी ऐसा करे जिन बहनों के बच्चे नहीं है वो चाहते हैं कि परमेश्वर मैं भी इसी रीति से आऊं परमेश्वर तेरी प्रेस तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के बीच इसी तरह से ढोलक बैंड वाजा लेकर ताकि लोगों को पता चले कि हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है कितने लोग एहसास करते हैं जिनके बेबी नहीं है कितने लोग एहसास करते हैं इस गवाही को रिसीव करो ग्रैंड करो मैं इस बात की प्रोफेसी आपको देता हूं आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से रब मेरा पर शेर यहूदा दाए ओते शेर यहूदा दाए पर शेर यहूदा दाए ओते शेर यहूदा दाए पर शेर यहूदा दाए पर शेर यहूदा दाए मैं दर्शन पौड़ा छेड़ कोई गीत खुदा बंदा अज मैं पंगड़ा पौड़ा छेड़ कोई गीत खुदा बंदा अज मैं पंगड़ा पौड़ा छेड़ कोई गीत खुदा बंदा अज मैं पंगड़ा पौड़ा तो ठीक है इन्होंने इतना परमेश्वर के लिए आदर किया है तो परमेश्वर की ग्रेस तो चाहिए प्रार्थना के द्वारा हाँ तो ठीक है हम भी आंखें बंद करेंगे और इस बच्चे के लिए फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे यस खुदा क्या नाम क्या रखा था मैं खुद भूल गया अभिजोत देखो जो सच्चे मसीह हैं वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते सारा कुछ किससे करते हैं परमेश्वर से पूछते हैं उसके दास से और इन्होंने नाम भी मुझी से रखवाया है और इसका नाम मैंने क्या रखा अभिजोत ये परमेश्वर की ज्योति है और
ये चमकेगी और लोगों को ये बच्चा परमेश्वर का सुसमाचार देगा, उसकी गुड न्यूज देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। यस मेरे परमेश्वर, तेरी इतिहास से, तेरी ग्रेस से, तेरी महिमा से ये बच्चा इस दुनिया में परमेश्वर आया है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस बच्चे पर तेरा सदा अनुग्रह बना रहे मेरे परमेश्वर, और कोई अंधकार की शक्तियाँ काम ना करे परमेश्वर। इसके जीवन में बढ़ने और जवानी के दिन और बुढ़ापे तक परमेश्वर ये बच्चा तेरा आज्ञाकारी बना रहे, आज्ञाकारी बना रहे, अपने माता पिता के नाम को, आपके सारे परिवार और घराने को के नाम को ऊंचा करे परमेश्वर, ऊंचा करे मेरे परमेश्वर, ताकि पिता जिस विश्वास से इन्होंने तुझ पर विश्वास करके इस आशीष को तुझसे पाया है मेरे परमेश्वर, उसी तरह जी बच्चा अपने बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी में रहे, खुदा तेरे नाम का भय माने और तेरी सेवा करता रहे। यस परमेश्वर, मैं श्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर अपनी ग्रेस से इसे ढक चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। तो के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इन सब भेंटों के लिए, इन आदर के लिए, आपके सब परिवार को आशीष दे परमेश्वर यीशु मसीह। ओके 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 ये ठीक है। ओके